टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की न्यूज बुलेटिन का आगाज हम भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के हालिया दौरा जम्मू कश्मीर की खबरों की झलकियों से करते हैं। अमित शाह का दौरा इस हवाले से बहुत अहम था कि तशद्दुद की हालिया लहर के बाद भारत के एक अहम लीडर ने जम्मू कश्मीर की सियासी और मुआशी तरक्की के जायजे के साथ साथ सिक्योरिटी के मामलों का भी जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरा के दौरान श्रीनगर से शारजा की फ्लाइट सर्विस का भी इफ्तिताह किया, जिसे श्रीनगर के मेयर और शहरियों ने बहुत ज्यादा सराहा। Very convenient because there are a lot of people from Srinagar who often travel to Sharjah and Dubai, and at the same case before we have to have a lot of layover at Delhi airport as well for 4 to 6 hours, and that's now it's bit of the travel we don't have to travel a lot and spend a lot of time at Delhi airport as well. So it's better that this flight is going directly to Dubai. Allah Taala ke fazl karam se Srinagar airport se bhi ab international flights udengi. To hum bahut khushi mehsoos kar rahe hain ki hamare Srinagar se bhi ab directly hum dusre mulkon mein ja sakenge. Pehle to hame bahut dikkat hoti thi Delhi utarna, fir wahan se luggage ki problem hoti thi ya immigration mein time lagta tha, lekin aaj hum bahut khush hain. हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया। इट्स अ बिग माइलस्टोन। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिंग टू रीजन्स व्हिच हैव डीप कल्चरल सोशल एंड होपफुली विल हैव इकोनॉमिक बॉन्ड्स टू। मिनिस्टर अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान प्रेमनाथ टोगरा की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि भारत की सरकार जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा करने का आजम लिए हुए है। अब जम्मू की शिकायत के अजाले का वक्त आ चुका है। जम्मू और कश्मीर अब एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारत की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। एक पवित्र दिन है पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले यह कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा जम्मू का भी होगा, दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं
विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। होम मिनिस्टर ने इसी दौरा में डल लेक के अंदर रात के वक्त मुनक्किद होने वाले शिकारा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब को भी देखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडियन आर्मी की 75 साल इन्फेंट्री सालगिरह की एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सिख रेजिमेंट की इस पहली जीत को याद किया गया जिसमें पाकिस्तान के 27 अक्टूबर 1947 के एक हमले को पसपा किया गया था। It gives me great pleasure to be here today for this historic occasion of 75 years of Badgam landing, in which after the instrument of accession was signed, we moved in quickly our troops, Srinagar airfield was saved, and thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military, which came as Kabilis, further back. I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IF and Army's participation in Badgam, but there were many, many in small missions which were carried out, which has resulted in ensuring
फ्रीडम ऑफ फ्री कश्मीर। आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक मोटर बाइक रैली का एहतमाम जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से किया गया, जिसकी खास बात यह थी कि इसमें लड़कियों ने भी भरपूर अंदाज के साथ शिरकत की। हमालिया बाइक रैली की खसूसी रिपोर्ट आपकी खदमत में हाजिर है। बाइक्स इतनी भी ना तो वो डरावनी है और ना ही वो ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप स्कूटीज चलाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बाइक से, बस गियर्स का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप उसे चलाना चाहते हो कि नहीं, तभी आप उसे चला पाओगे, डर के कुछ नहीं होगा। वेल, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, ना कि सिर्फ रजौरी डिस्ट्रिक्ट को बस क्योंकि आगे पीछे वाली सारे एरियाज को भी, कि अगर आपके अंदर पैशन है तो यू शुड श्योर कम इन फ्रंट। बाइक का स्टार्टिंग से क्रेज़ था, तो आई लर्न बाइक ऑन माई ओन, मैंने खुद बाइक सीखी है और क्रेज़ हमेशा से रहा है। फादर भी आर्मी में थे तो प्रीति दीदी हैं हमारे, तो उनको भी देख के एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है हमेशा से कि हमने बाइक चलानी है। और टफ़ नहीं है बिल्कुल भी, आपके अगर दिल में आपको इच्छा है कि आपको बाइक चलानी है तो वो चल जाएगी अपने आप ही, हैवी नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स है तो करना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी सेलिब्रेशन जो है ज़िले के अंदर चल रही है। पहले 4-5 फंक्शंस हुए हैं, कल्चरल नाइट हुई एक और 3 मेगा यहाँ कल्चरल शो हुए। उसके अलावा एक ट्रैकिंग का ग्रुप जो है 7 लेक होके आया। आज ये बाइकर्स जो हैं हिमालयन बाइक रैली जो है निकाली जा रही है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 के करीब हैं। ये सुंदरबनी, नौशहरा और कालाकोट से होते हुए शाम को वापस आएंगे। आज इसका मकसद ये था कि यूथ को एंगेज रखना है, यहाँ फेस्टिविटी का माहौल रहे, पीस और डेवलपमेंट में जो यूथ है वो पार्टिसिपेट करे और यहाँ का फुटफॉल बढ़े ताकि टूरिज़्म यहाँ का प्रमोट हो। क्रिकेट का सीजन हो तो जम्मू कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है। वादी में क्रिकेट के विलो बैट्स बनाने की इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है। इस सनत से मुंसलिक हजारों लोगों को उम्मीदें हैं कि वादी के नए क्रिकेट बैट्स इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खूब मकबूल होंगे। Thank you.
हमारा बैट वर्ल्ड कप में गया है तो ये पूरे कश्मीर के लिए मसरत की बात है, क्योंकि हमारे चीज़ को रिकॉग्निशन मिली है, वर्ल्ड रिकॉग्निशन, तो आगे के लिए इंडस्ट्री के लिए ये रास्ते खुल गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस चीज़ में हमारे पढ़े लिखे नौजवान लगभग 2000 से 3000 जो है अभी है, तो लेकिन फैमिलीज़ बहुत सारी जुड़ी हुई है, 400 से ज़्यादा फैमिली जुड़ी हुई है, जिसके लिए ये सब के लिए मसरत की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पूरी ये ग्रोथ है कश्मीरी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। जी, हमारे ग्रेट स्पोर्ट्स की जो इक्विपमेंट एंड बैट्स हैं तो ये ओमान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में उतारा है, तो ये अभी आने वाले और भी मुल्क उतारेंगे और इंटरनेशनल टीम्स इसमें खेलेंगी, और ये चीज़ के लिए हम पूरी कोशिश करे हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं तो सब धीरे धीरे हमारे बैट को ऑप्ट करें, हमारे इक्विपमेंट को ऑप्ट करें, ताकि हमारी इकोनॉमी इससे थोड़ी ग्रो हो सके। संगम में ये एरिया में काफ़ी छोटे छोटे बैट्स वाले इंडस्ट्रीज़ वाले हैं और अच्छा क्वालिटी का यहाँ बैट्स बन रहा है, अच्छा लगा, यहाँ एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया में, ऑल इंडिया इन लोग का सप्लाई है, यहाँ देख के हम लोग को भी अच्छा लगा, काफ़ी रीजनेबल रेट में अच्छा क्वालिटी का बैट जो हम लोग आइडिया नहीं कर सकते यहाँ पर मिला है हम लोग। अभी कुछ जो बैट है इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, खुशी की बात है कि कश्मीर का बैट जो है इंटरनेशनल लेवल पे गया। ये हम लोग एज ए इंडियन हम लोग के लिए काफ़ी खुशी का बात है जे हम लोग का चीज़ एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल में यहाँ से जा रहा है, यूलो वाला जो बैट्स, ये हम लोग के लिए काफ़ी खुशी का बात है। आज के बुलेटिन के आखिर में श्रीनगर के आर्टिस्टों की पेंटिंग्स की नुमाइश का हवाल आपको दिखाते हैं। ये जो शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को आर्ट कॉम्प्लेक्स के जो तौर पर जो है डिक्लेयर किया है। इसमें ना सिर्फ पेंटिंग्स, बकायदा दूसरे भी जो आर्ट्स फॉर्म्स है उसकी यहाँ प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। हमारे जो वादी के कश्मीर के जो अलग अलग फील्ड के जो आर्टिस्ट है और बाहर से जो आर्टिस्ट है यहाँ आकर के जो है अपने आर्ट्स को हुनर दे देंगे। दूसरा, जो बाहर से जो टूरिस्ट आता है, आजकल सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम नेचुरल खूबसूरती तो देखता ही देखता है, लेकिन यहाँ की जो आर्ट और जो कल्चर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमारी जो हेरिटेज रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे यहाँ की जो हमारी जो यूटेंसिल्स है या हमारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं या हमारा जो अलग अलग आर्ट्स फैक्ट्स है, वह सब यहाँ आ करके देख सके, एटलीस्ट कम से कम 1-2 घंटा यहाँ गुजार सके और उसको भी पता हो सके कि वादी कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी तो उतनी ही खूबसूरती है, लेकिन इक्वली जो खूबसूरती जो है यहाँ के जो हाथों में भी है, आर्टिस्ट के हाथों में भी है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंस है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर जगह का जो कल्चर है वो थोड़ा अलग अलग है, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारे रीति रिवाज अलग है,
तो हमारा काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है, और जब एक दूसरे से मिल मतलब जैसे काम का इंटरेक्शन होता है, जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में वहाँ वहाँ की जो संस्कृति है या वो झलकती है, तो उसका भी आदान प्रदान होता है जब हम एक साथ काम करते हैं और उनके विचार उनके काम के बारे में उसमें क्या प्लस पॉइंट्स है या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब हमें पता चलता है, और उससे हमारा जो आर्ट है या हमारा जो पेंटिंग है उसको भी फ़ायदा, इन द सेंस हम ज़्यादा अच्छे से आगे जाके काम कर सकते हैं बिकॉज वी नो उन लोगों का कैसे है, या ज़्यादा हमारे विचार भी जैसे खुल जाते हैं, या जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी थोड़ा नज़रिया खुल जाता है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।